नमस्कार साथियों, मास्टर राजेश मेरे YouTube चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, सब्सक्राइब या सदस्यता लें वाला बटन लाल नहीं होना चाहिए। आज आपको एक ऐसे मंदिर की छटा बताते हैं, गुजरात का जूना भवनाथ मंदिर हिलोड़ा के पास स्थित है, और एक डैम, गुजरात में डैम कहते हैं और अपने यहाँ पर बांध कहते हैं, उस बांध के मध्य में बना हुआ है और उसकी मनोरम छटा को आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ इस जूना भवनाथ मंदिर को दर्शन करने के लिए। जूना भवनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, ये बाहरी परिसर आप देख रहे हैं। अब देखिए इसके चारों तरफ का वातावरण, आप देख रहे हैं पानी फैला हुआ है बांध का। मंदिर बांध के बीच में स्थित है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मंदिर मुख्य मंदिर है, भगवान शिव की मूर्ति शिवलिंग की स्थापना यहाँ की गई है। इसके ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवान शिव भक्त यहाँ रहते हैं और पूजा पाठ आदि करते हैं। यह मुख्य मंदिर है, अंदर जमीन में है। यहाँ पर शिवलिंग, ये नंदी महाराज है। ये एक बार फिर आपको वातावरण दिखाते हैं, चारों तरफ का एक टापू के जैसा लगता है। देखिए ये जो डैम बांध है, पहाड़ियों के बीच में पानी को रोका गया है। इसके अंदर जो पानी है वह सिंचाई और पीने के काम आता है। पानी मंदिर में न घुसे इसलिए दीवार बनाई गई है। ये छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं अन्य भगवान के, कोई हनुमान जी का है और कोई अलग अलग मंदिर बने हुए। ये पीपल का वृक्ष है जिस पर सुबह सुबह भक्त लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। देखिए बहुत प्राचीन मंदिर की दशा। आइए मुख्य मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना की हुई है, पंडित जी पुजारी जी इसमें पूजा कर रहे हैं। जो जमीन के अंदर बना हुआ है और चारों तरफ पानी बना हुआ भरा हुआ है, फिर भी जमीन के अंदर इसको बनाया गया है, इसमें पानी का रिसाव भी नहीं होता है। भगवान की पूजा अर्चना यहाँ पर पुजारी लोग करते हैं। यहाँ पर रहने के लिए सराय भी बनी हुई है और पूजा पाठ भी की हुई। माताएं वहाँ पर जल अर्पण करती है और भगवान शिव को नमन करते हुए जल इसी बांध का, डैम का, गुजरात में डैम कहते हैं, हैं और अर्पण किया जा रहा है। ये अन्य लोग भी जो कई स्थानों से, राजस्थान से आए हुए यात्री है, वे यहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। ऊपर मटका लगा हुआ है, उससे जो पानी टपकता है वो शिवलिंग पर बरसता रहता है। पुरानी परंपरा के अनुसार जल अर्पण करने की प्रक्रिया हमें दर्शाई गई है और
जल भगवान शिव को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पर दूध, दही और पंचमेवा आदि का भी अर्पण किया जाता है, परंतु इस मंदिर में सदैव जल अर्पण किया जाता है। देखिए इस मंदिर की अनुपम छटा भाई रमेश कुमार भी इस मंदिर में जल अर्पण करने के लिए आए हैं। मुझे भी इस मंदिर में जल अर्पण करने का मौका मिला है। वैसे मेरा ननिहाल है भिलोड़ा में, तो मैं बचपन से भी यहाँ जाता रहा हूँ, परंतु इस बार बहुत समय बाद में आना हुआ है और भगवान शिव के पावन मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। मास्टर राजेश जल अर्पण करते हुए भारतीय परंपरा में बड़ी चीज समर्पण की रही है और वह समर्पण ही सबसे बड़ी बात है। पैसा नहीं, पानी ही सबसे बड़ी इच्छा है या अर्पण है। आइए बाहर देखते हैं, ये छतरियाँ बनी हुई है प्राचीन काल की, समाधियाँ कहते हैं उन्हें। ये बाहर का वातावरण है आप देख रहे हैं। यहाँ पर भगवान शिव के नाग, काले नाग भी बहुत तायत में पाए जाते हैं, परंतु किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब हम वापस आ रहे हैं, वापस आते हुए एक बार इसकी छटा देख लें, कितना मनोरम, कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर। कभी आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो एक बार अवश्य इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं और पुण्य प्राप्त करें। मास्टर राजेश।